कल इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि किन बड़ी खबरों पर हम बात करने वाले हैं वो बता देते हैं। दरअसल आज ओवैसी का बाराबंकी दौरा है। चुनाव को देखते हुए लगातार ओवैसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो एक दिवसीय हरिद्वार का दौरा है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वो पदाधिकारियों के साथ सिडकुल स्थित हाइफन होटल में बैठक करेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल होटल में रेडिसन ब्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसे में हरिद्वार दौरे के दौरान दिल्ली के मुखिया हरिद्वार में रोड शो भी करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि हरिद्वार का आज एक दिवसीय केजरीवाल का दौरा है, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मैदान में खुद वो उतर चुके हैं और पूरी तरह से कमान उन्होंने खुद संभाल ली है। और ऐसे में आज आपको बता दें पदाधिकारियों के साथ बैठक तो वो करेंगे ही, लेकिन एक रोड शो भी करेंगे। वहीं हरिद्वार वो पहुंचेंगे, तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं और तैयारियाँ इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, आज अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लगातार चुनावों को लेकर पूरी तरह से वो एक्टिव हो चुके हैं। आज हरिद्वार का एक दिवसीय दौरा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कितनी देर में उनका कार्यक्रम शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हरिद्वार में उनका दौरा है तो हरिद्वार में रहेंगे और 11:30 बजे होटल हाइफन में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स के साथ उनकी समीक्षा बैठक होगी। इसके बाद जो उनके पदाधिकारी हैं उनका भी कार्यक्रम चलेंगे और रोड शो हरिद्वार में उनका आज होगा। जी बिल्कुल, इंतजार। और ये बैठक वो करने जा रहे हैं, सिडकुल में बैठक होगी, हाइफन होटल में बैठक में किन किन बिंदुओं पर बातचीत होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जो राजनीतिक जो बैठकें हैं जो जो हाइफन में इनकी बैठक होनी है वो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और अन्य जो सामान्य लोग हैं उनके साथ ये मीटिंग होनी है। इसके बाद जो इनके पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के उनके बाद जो मीटिंग होगी रेडिसन ब्लू में इनकी एक मीटिंग और होगी। रोड शो के बाद इनका हरिद्वार में एक रोड शो भी किया जाएगा आज। जी बिल्कुल इंतजार, रोड शो की आप बात कर रहे थे, रोड शो होने वाला है, कितने की संख्या में रोड शो में लोग शामिल होने वाले हैं? देखिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जी, उन्होंने जो तैयारियां हैं उनकी लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी के मुख्य आधार हैं और उन्हीं को लेकर कार्यकर्ताओं में जो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल इंतजार। और लगातार देखिए अब आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है उत्तराखंड से, तो ऐसे में चुनौती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव उत्तराखंड में रही है और सरकार हमेशा इन्हीं दो पार्टियों की रही है, ऐसे में चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल खुद लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जो उत्तराखंड है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें पहले से रही हैं और जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का पहला ही चुनाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा लोगों को और जो लोगों के बीच में विकास के मुद्दों को और फ्री बिजली के मुद्दों को दिल्ली की तर्ज पर यहाँ लेकर अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के लोग जो यहाँ कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है आने वाले चुनाव में, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल जी हैं पूरी जोरों शोरों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ में उत्तराखंड में चुनाव को एक अच्छा आयाम देने के लिए कार्यरत हैं। जी जी चलिए ठीक है, इंतजार आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ऐसे में फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल का एक दिवसीय हरिद्वार का दौरा है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल पदाधिकारियों के साथ बैठक तो करेंगे ही, उसके बाद रोड शो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आने वाले बूथ सम्मेलन और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ ही कई केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड बुलाने और उनकी जनसभाओं को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सम्मेलन को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी विधानसभा चुनाव में वापसी करना एक बार बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता में वापसी करना और लोगों के बीच जाकर अपने आप को पेश करना और अपने जो वादे किए हैं अपने काम को रखना, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। इसको लेकर पूरी तरह से उत्तराखंड में अब बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है और ऐसे में विधानसभा चुनाव अब बेहद उत्तराखंड में नजदीक है, इसीलिए सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारियां करती नजर आ रही हैं। इसी के तहत आपको बता दें बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आने वाले बूथ सम्मेलन और पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को लेकर चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है।